जो बिहार की गरिमा को सबसे ऊपर रखे पूरे देश में, आज सभी लोग मिलकर उन्हें ही टारगेट करने लगे, उन्हें ही बदनाम करने में लग गए, उन पर ही एफआईआर कर दिया। अरे बिहार में और भी कई मुद्दे हैं, एजेंडों पर काम करिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, खान सर के पीछे मत पड़िए। बिहार में छात्रों के आंदोलन के बाद अब ये जो रूप है राजनीतिक रूप हो गया है, जो भी राजनीतिक पार्टी है वो इसमें अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, अपना करियर चमकाने में लगे हुए हैं और छात्रों का करियर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब ये मुद्दा थमा तो जितने भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो सभी लोग अपने अपने दाव खेलना शुरू कर दिए, आग में घी डालने का काम फिर से शुरू कर दिया। छात्रों को खान सर ने कहा है कि सड़कों पर ना उतरे, आंदोलन ना करें क्योंकि आपके हित के लिए बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जाट सुप्रीमो पप्पू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टियां सभी लोग खेल खेलने में लगे हुए हैं। अब मुझे तमाम पार्टियां ये जवाब दीजिए कि जब 24 तारीख को शाम में राजेंद्र नगर पटरी पर जब हजारों की संख्या में छात्र डंडे खा रहे थे, पत्थर खा रहे थे, आंसू गैस के गोले खा रहे थे, तब आप लोग कहां थे? सब आप लोग पटना ही में थे, पटना में आप लोग अपने घर में समोसा खा रहे थे। किसी लोगों को समय छात्र की परवाह नहीं हुई कि जाके छात्र को हम बचाएं, छात्रों के लिए खड़े होएं, और आज 4 दिन 5 दिन बाद आप लोग मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप हित पे बात करते हैं छात्रों के लिए, तो आप छात्र के लिए उस वक्त खड़े नहीं हुए जब उन्हें आप लोगों की जरूरत थी, तब आप लोगों ने एक ट्वीट भी नहीं किया, लेकिन अब सड़कों पर हंसते खेलते आंदोलन कर रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं तो हंसते खेलते, वो क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी देर बाद आप छूट जाएंगे। अगर आपको इतना छात्रों की चिंता होती ना, तो जो आंदोलन आप सड़कों पर कर रहे थे ना, आप सड़कों पर ही रहते, पुलिस बल आप पर कितना भी बल लगाती, आप वहां से टस से मस नहीं होते। कल को जो आप लोग कह रहे थे कि खान सर पर एफआईआर गलत है, हम खान सर, हम शिक्षक, हम छात्रों के साथ है, आज वो आदमी खान सर को दलाल कह रहा है, झूठा कह रहा है, पैसा खाने वाला कह रहा है। आप उस आदमी को बदनाम कर रहे हैं, उस आदमी पर लांछन लगा रहे हैं। ये वही खान सर है जो आधुनिक भारत के नवनिर्माण में चाणक्य का काम कर रहे हैं, जो करोड़ों बच्चों को शिक्षा देते हैं, करोड़ों बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं। ये जो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं ना, ये लोग तो अपना करियर चमकाने के चक्कर में है और हमारे छात्रों का करियर बर्बाद करने के चक्कर में है। तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव कहाँ है? कहाँ के वो युवाओं के नेता तेजस्वी यादव नजर नहीं आए आज आंदोलन में? उनके 2-4 जो युवा नेता हैं वो नजर आए, कुछ आकर के 2-4 बातें कह दी मीडिया कर्मियों के साथ, फिर चले गए। तेजस्वी यादव, आपको तो छात्रों के साथ उस दिन खड़ा होना चाहिए था जब छात्र मार खा रहे थे, जो सरकार के सिपाही छात्रों को मार रहे थे। सरकार भी हमारी ऐसी हो गई है कि हम क्या बताएं, वो नहीं चाहती कि हमारे बिहार, हमारे भारत की जो युवा है वो पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाए। अरे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो उनसे सवाल करेगा ना लोग। अभी क्या है, जंगल राज कर दिए हैं, बिहार पूरा जंगल राज हो गया है, पहले वाला काम आप भूल चुके हैं, अब आपको काम करने आ ही नहीं रहा है, क्या करवा रहे हैं, लूट करवा रहे हैं क्या? आप बिहार में चल क्या रहा है? आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, अब शिक्षक को बर्बाद करना चाहते हैं। कोरोना जब होता है तो भाई जब स्कूल खुलता है तभी कोरोना आता है, रैलियों में तो कोरोना नहीं आता। खान सर जो बिहार की गरिमा को सबसे ऊपर रखे पूरे देश में, आज सभी लोग मिलकर उन्हें ही टारगेट करने लगे, उन्हें ही बदनाम करने में लग गए, उन पर ही एफआईआर कर दिया। अरे बिहार में और भी कई मुद्दे हैं, एजेंडों पर काम करिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, खान सर के पीछे मत पड़िए।